सो है एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएमडी पीजी कॉलेज के बारे में, जिसमें यूजी की कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, उनमें सीट कितना है, एंड पीजी में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, उनमें सीट कितना है, इन सब के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। साथ में बताएंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो बने रहेगी इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल के साथ। तो कॉलेज का नाम लिखा जाता है सीएम दुबे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर, अफिलिएटेड बाय है अटल यूनिवर्सिटी। कॉलेज टाइप है प्राइवेट एंड यहाँ का स्टडी मीडियम है हिंदी, बट इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। देन बात करें यहाँ के स्टूडेंट टाइप्स की, तो ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। इस कॉलेज में NCC, NSS एंड स्पोर्ट की सुविधा भी अवेलेबल है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अटल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जहां बाकी सारे कॉलेजेस के फॉर्म भरे जा रहे हैं वहीं से आपको भरना है फॉर्म को। बट इस कॉलेज का लिस्ट में नाम आपको प्राइवेट कॉलेज के लिस्ट में मिलेगा, तो ज़रूर से प्राइवेट कॉलेज कर लीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट का है, देन उसके बाद ही आपको CMD कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा। एंड अगेन यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो परसेंट बेस पे है। मीन्स अगर आप UG में एडमिशन लेंगे तो आपके 12th के परसेंट बेस पे होगा, एंड अगर आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के परसेंट बेस पे होगा। एंड अभी इस कॉलेज का एडमिशन जो है कंटिन्यू में है, तो आप ज़रूर से फॉर्म भर लीजिए, अभी भी टाइम है। आई थिंक 20 जुलाई तक तो चलेगा ही रजिस्ट्रेशन, जब तक CBSE वाले स्टूडेंट्स लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता उन लोग के फॉर्म भरने तक आप लोग का भी टाइम है, तो ज़रूर से फॉर्म भर लीजिएगा। अब बात करते हैं UG में अवेलेबल कोर्सेज की। तो सबसे पहला कोर्स है BA, जिसमें टोटल 240 सीट अवेलेबल है। और यहाँ के BA में आपको कोर्स मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस एंड सोशियोलॉजी। इतने सारे कोर्सेस हैं जिनका कॉम्बिनेशन लेके आप यहाँ से BA कर सकते हैं। देन फी स्ट्रक्चर यहाँ का पता नहीं है क्योंकि कहीं भी वेबसाइट वगैरह में अवेलेबल नहीं है। देन है BCOM, जिसमें 600 सीट अवेलेबल है, ये प्लेन BCOM है। अगर आप चाहें तो यहाँ BCOM कंप्यूटर भी है, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है। देन है BSc मैथ्स, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 210 है। इसके साथ ही अगर चाहे तो आप BSc कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 90 है। देन मैथ्स स्ट्रीम वालों के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स BSc इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल है, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 60 है। एंड ऑल ओवर देखा जाए तो जो मैथ्स स्टूडेंट हैं उनका फीस अराउंड 18,000 मीन्स 18,000 के आसपास लगता है ईयरली बेस पे। देन है BSc बायोलॉजी, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 210 है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो यहाँ BSc माइक्रोबायोलॉजी भी अवेलेबल है, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 60 है। देन एक कोर्स यहाँ पर और है बायोकेमिस्ट्री, जो आपको किसी और कॉलेज में नहीं मिलेगा, बट अगर आप बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो ये कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है। देन है BSc बायोटेक्नोलॉजी, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 25 है। देन अगर आप BBA करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 60 है। देन अगर आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर में आगे जाएं तो आप BCA कर सकते हैं, यहाँ पर BCA अवेलेबल है, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 45 है। देन अब बात करें PG में अवेलेबल कोर्सेस और उनके सीट की, तो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला कोर्स है MA हिंदी, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 40 है। देन है MA इकोनॉमिक्स, इसमें भी अवेलेबल सीटों की संख्या 40 है। देन है MA पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी अवेलेबल सीटों की संख्या 40 है। देन है MA जियोग्राफी, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 90 है। देन है MA संस्कृत, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 40 है। देन है MA इंग्लिश, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 60 है। देन है MCOM, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 80 है। देन है MSc बॉटनी, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है। इसी तरह से MSc जूलॉजी में भी अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है। देन है MSc माइक्रोबायोलॉजी, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है। और इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है। देन है MSc मैथ्स, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 40 है। देन है MSc फिजिक्स, अवेलेबल सीटों की संख्या 40 है। देन है MSc केमिस्ट्री, अवेलेबल सीटों की संख्या 40 है। देन है MSc इन कंप्यूटर साइंस, अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है। देन है MSW, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है।
देन सीएमडी कॉलेज में बीएड भी अवेलेबल है, सेम कॉलेज में ही, कोई लोकेशन अलग अलग नहीं है। तो बीएड में अवेलेबल सीटों की संख्या 100 है एंड एमएड भी अवेलेबल है, तो एमएड में अवेलेबल सीटों की संख्या 50 है। देन यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। पहला है पीजीडीसीए जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 60 है। देन है पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या भी 60 है। देन है पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें भी अवेलेबल सीटों की संख्या 60 है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।